इनको रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग दिया जाता है, और ज्यादा अगर आप इनको वी विल प्रोवाइड देम अ फीड एम्ब्रियोनिक मॉर्टलिटी, इसलिए क्या होता है कि रिकमेंडेड वी रिकमेंड 2 केजी ऑफ ग्रोअर और फिनिशर राशन कंटेनिंग 60% सीपी एंड 3000 किलो कैलोरी डाइजेस्टिबल एनर्जी एंड 0.7 लाइसिन फॉर 15 डेज फॉर फ्लशिंग ऑफ ब्रीडेबल साउज एंड बिफोर मेटिंग। तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, वी प्रोवाइड एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन टू द ब्रीडेबल पॉपुलेशन। अब ब्रीडेबल पॉपुलेशन का भी ब्रीडेबल साउज और किल्स, तो क्योंकि अगर अगर ज्यादा फीड इनको देंगे फ्लशिंग में, वी विल प्रोवाइड मोर फीड टू द साउ एंड गिल्स, they can lead to embryonic mortality. But जो normal उनको 1.5 किलो दाना दिया जाता है at the time of finishers को करीब करीब 1.5 से 2 किलो दाना दिया जाता है, इसके बाद उनको flush करते हैं breeding के लिए, male और female दोनों को flush करते हैं, और flushing करने का यही मतलब है we provide extra nutrients in terms of energy, protein, minerals and vitamins. तो इनको फ्लशिंग में क्या होता है, फ्लशिंग करने से क्या फायदा होता है, वी ऑब्टेन ग्रेटर लिटर साइज एंड वेट, लिटर साइज और वेट दोनों इंक्रीज होते हैं फ्लशिंग से। सो वी आर प्रैक्टिसिंग दिस फ्लशिंग इन केस ऑफ ब्रीडेबल साउ एंड 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 गिल्स। सो They are fed with the extra nutrients 15 days before a breeding, they are fed extra nutrients. मतलब 2 वीक पहले उनको आप extra nutrients देते हैं in terms of 2 kg. It can be a grower or finisher ration, और इसको बोलते हैं flushing. और इससे फायदा क्या होता है, ब्रीडिंग जो मेल होते हैं उसमें स्पर्म काउंट्स बढ़ते हैं तो कंसेप्शन रेट बढ़ता है, और जो फीमेल्स होते हैं उसमें भी ओवरी में न्यूट्रिएंट्स की दैट दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द ओवरी, तो ज्यादा ज्यादा कंसेप्शन होते हैं, और इससे क्या होगा फ्लशिंग से देर विल बी इंक्रीज इन लिटर साइज एंड लिटर वेट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इकोनॉमिकल ट्रेड है पिग्स का, दैट लिटर साइज एंड लिटर वेट। सो द फ्लशिंग विल इंक्रीज बोथ लिटर साइज एंड वेट। तो प्रेग्नेंट साउ को ऑन द डे ऑफ द वी हैव टू प्रैक्टिस फ्लशिंग, और इसमें क्या होता है कि जब आपका फिनिशर तैयार हो जाता है तो फिनिशर दाने को ही आप थोड़ी सा, अगर आप नॉर्मली 1.5 किलो दे रहे हैं फिनिशर्स को, तो ये 2 किलो से 2.5 किलो आप दाना देते हैं करीब करीब 2 हफ्ते तक, जिससे कि वो ब्रीडेबल उसमें आ जाते हैं और ब्रीड करते हैं, और ब्रीड करने से फिर क्या होता है कि दे प्रेग्नेंट हो जाते हैं, और इसके बाद क्या होता है दोनों दो हफ्ते के बाद अगेन द गिल्स एंड साउ बिफोर मेटिंग फॉलोड बाय 1.5 kg टिल, तो मेटिंग तक ना उनको आपको 2 किलो देना है फ्लशिंग करना है, और मेटिंग के बाद उनको फिर से नॉर्मल 1.5 kg दाना देना है टिल फॉलोइंग। तो ऐसा आपको करना है प्रेग्नेंट साउ और गिल्स के लिए। ऑन द डे ऑफ द फॉलोइंग 250 grams ऑफ वीट ब्रान शुड बी ऑफर्ड for proper lactation. Thereafter, for next 3 weeks, increasing quantity of above recommendation ration could be offered in such a way then way that by 4th day of the sow can get at least 2 kg of that feed. So,
इस प्रकार से इन प्रेग्नेंट साउस की आपको फीडिंग करना है। मतलब मैं आपको बताऊं कि आपको जब पिग फॉर्म रखना है तो उसका स्टार्टर्स रहेंगे, स्टार्टर्स के बाद वो ग्रोवर्स हो जाएंगे, जब ये ग्रोवर्स होंगे तो मेल फीमेल दोनों होंगे, तो ग्रोवर्स में मेल्स को क्रस्टेट कर दिया जाता है और फीमेल को एज सच ग्रोवर्स में रखा जाता है और फिर वो फिनिशर्स एज में आ जाते हैं, मतलब 5 to 6 weeks के हो जाते हैं। जब 5 to 6 months के हो जाते हैं, नॉट वीक, तो स्टार्टर्स आर ऑफ टू मंथ्स, फर्स्ट मंथ एंड सेकेंड मंथ, और इनको आपको स्टार्टर फीड देना है। ग्रोवर्स थर्ड मंथ एंड फोर्थ मंथ इनको, दे आर ग्रोवर्स, और ये 12 to 50 kg के हो जाएंगे फोर्थ मंथ के एंड होते तक। और इनको आपको ग्रोवर राशन देना है और फिनिशर राशन, और ग्रोवर राशन में जो मेल होंगे वो कस्टेटेड हो जाए और फीमेल आपको गिल्ट रहेंगे और साउ दोनों रहेंगे। और फिनिशर्स में जब वो 50 kg के हो जाते हैं साउ और गिल्ट, और इसमें साउ तो पुरानी 50 kg की रहेंगी, गिल्ट 50 kg की हो जाएंगी और मेल जो क्रेस्टेटेड है वो 50 kg की हो जाएंगे। इसके बाद हमको फिनिशर राशन देना, फिनिशर राशन देने के बाद जब 60-65 एज आया तो जो भी पूरे क्रेस्टेटेड मेल है इनको भेज दिया जाता है, इनको भेज दिया जाता है। और जो फीमेल रहती है, और फीमेल में दो प्रकार की फीमेल होंगी, एक रिसेंटली जो फीमेल बनी है जिनको गिल्ट बोलते हैं, और एक पुरानी साउ रहेगी, इनको रीब्रेड करेंगे। और रीब्रेड करने के लिए इनको रीब्रेड किसको करेंगे, साउ को, और जो गिल्ट है उनको फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग करेंगे, और इसके लिए हम एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट देंगे आफ्टर फिनिशर्स। और इस एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को देने को बोलते हैं फ्लशिंग ऑफ द साउ एंड गिल्ट। इससे क्या होता है कि आपका कंसेप्शन रेट बढ़ता है और लीटर साइज और लीटर वेट बढ़ता है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी फार्मिंग होगी। सो यू हैव टू फीड अ प्रेग्नेंट साउ एंड प्रेग्नेंट साउ फ्रॉम 5th day onward द साउ शुड बी फेड अप टू एपेटाइट बाय ऑफरिंग डेली कोटा फीड ट्वाइस अ डे। ये जो साउ को आप और पिग्स को आप खिलाते हैं, ये जो कोटा आप देते हैं 2 kg दाना देना है, ये दिन में 2 बार दिया जाता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम इनको आप देते हैं। द इंटरवल बिटवीन 2 feeding शुड बी 8 hours। सच फीडिंग इज कंटिन्यूसली कंटिन्यू टिल द वीनिंग ऑफ द पिगलेट्स। आफ्टर साउ गेन अगेन इट इज फेड 1.5 kg फीड डेली टिल द ब्रीडिंग सीजन। गुड क्वालिटी सेकुलेंट फॉडर दैट इज बर्सीम एंड लूसर्न एट द रेट ऑफ 5 to 6 kg पर के में ऑल्सो बी ऑफर्ड अलोंग विद द कंसेंट्रेट मिक्सचर। ये जो प्रेग्नेंट साउ है इनको आप 5 to 6 kg गुड क्वालिटी फॉडर भी दे सकते हो अलोंग विद 1.5 kg कंसेंट्रेट, इनको आप ये भी दे सकते हैं। और सकुलेंट फॉडर देने से क्या होता है कि द न्यूट्रिएंट्स दे आर प्रोवाइडेड इन इकोनॉमिकल मोड, बिकॉज द फॉडर दे आर ऑल्सो हैविंग एनर्जी प्रोटीन एंड मिनरल्स एंड विटामिन, बट दे आर इन इकोनॉमिकल फॉर्म। और फॉडर इसलिए दे सकते हैं पिग्स को क्योंकि दे आर नॉट ट्रू मोनोगेस्ट्रिक, दे आर हैंडगट फर्मेंटर, सो वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ देयर सीकम एंड कॉलन फर्मेंटेशन डाइजेशन, वेयर दे कैन यूटिलाइज 5 to 10 or 12% ऑफ द फूड फाइबर ऑल्सो, सो वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फॉडर। एंड माइंड यू फॉडर प्रोवाइड अ चीप न्यूट्रिएंट्स देन अ कंसेंट्रेट मिक्सचर। So, that pregnant sows are fed with 1.5 kg, they are flushed with 2 kg, 2.5 kg of the concentrated mixture, followed by 1.5 kg till another breeding season it is there. So, and along with that concentrated mixture, that pregnant sow should be fed with 5 to 6 kg, a good quality green fodder also per day. So they will fulfill their nutrients requirement.
Here you see the nutrient requirements given by ICAR 2013. See the day of gestation. Day of gestation is 114. 114 दिन का gestation period pigs में होता है and they are divided into two. That is 0 to 75 days of gestation period and from 75 to 114 days of gestation period. So gestation period is divided into two parts, early gestation, late gestation, and see the body weight at the time of breeding. It is around 78 to 112 kg in case of gilt and sow, and see the late gestation body weight. It goes up to 120 to 130 kilo body weight. So because of gestation में क्या होता है कि जो आपका product of conception है वो placenta और उसका जो embryo है उसका भी body weight आता है. So there is a daily gain in weight of 250 grams to 300 grams throughout the gestation period is satisfactory. 250 से 300 ग्राम अगर gain in body weight होता है gestation में, so the nutrient requirements they just double. तो क्या होता है कि gestation period में क्योंकि there is a product of conception, वो पेट में बच्चा होता है and embryo is there and product of conceptions are there. तो amniotic fluid है और आपका placenta इन सब का weight बढ़ता है. So the nutrient requirements they just double. Energy, protein, minerals and vitamins. So they are fed with the extra nutrients and it is called flushing. Flushing करते हैं आप इसको. So see the body weight and feed intake will be 2.2 to 2.5 kg. See the feed in, gain, that is feed efficiency 4.8 to 5.2 in case of gestation, and see the nutrient requirement. It is 3440 BE kilocalorie per kg, and protein requirement will be 18.84 in early lactation, early gestation, and in late gestation the energy requirement will be 3420 and protein requirement will be 18.92. So this concentration of the protein and energy, you have to make a concentrated mixture. We should be fed at the rate of 2.2 kg in case of early lactation, early gestation, and in late gestation, it should be fed at the rate of 2.5 kg per animal per day. ठीक है. अब इसके बाद lactating sow. अब lactating sow after pregnancy there is a foraging is there, and foraging के बाद a lactation sow. Protein, minerals and vitamins, they just double during the gestation. But lactation में 3 to 4 times nutrient requirements हो जाती है. Energy, protein, minerals and vitamins requirement in gestation period they increase by 3 to 4 times. Then maintenance की जो requirement है उसकी 3 से 4 गुना हो जाती है at the time of the lactation. और gestation में जो maintenance requirement energy, protein, minerals, vitamins का उसका दुगना करीब करीब it is in gestation. So the nutrient requirements they increase during the pregnancy and gestation. So the lactating sow or gilt should be offered additional feed for early recovery of the body condition and milk production. Milk production कितना होता है? It pigs में milk production क्या होता है? Up to 8 weeks तक होता है. आपको मालूम है weaning यहाँ 8 week की होती है, 2 महीने की होती है. तो first 3 weeks में मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और 3 से 8वें हफ्ते तक, 8th week तक द मिल्क प्रोडक्शन इट डिक्रीजेस. और पर जेस्टेशन देयर इज 8 टू 10 पिगलेट्स एंड मिल्क प्रोडक्शन इज 5 टू 8 लीटर्स पर डे. तो पिग्स में है ना 5 से 8 लीटर लैक्टेटिंग साउ में जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज 5 टू
8 लीटर पर डे, तो 5 से 8 लीटर पर डे का मिल्क प्रोडक्शन के लिए तो आपको जो लैक्टेटिंग साउ है उसको 2 न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे। फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स दे विल गो फॉर मेंटेनेंस एनर्जी प्रोटीन मिनरल्स एंड विटामिंस, दे विल गो फॉर मेंटेनेंस एंड देन दे विल गो फॉर मिल्क प्रोडक्शन। तो 2 प्रकार के न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, सो दैट द टोटल रिक्वायरमेंट विल बी फॉर मेंटेनेंस एंड मिल्क प्रोडक्शन। एंड फर्स्ट 3 वीक्स में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है, फिर 3 वीक्स के बाद ये गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं जिनको आप क्रीपर्स बोलते हैं, उनको क्रीप राशन दिया जाता है अलोंग विथ दैट मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क सकलिंग मिल्क के सिवाय यू प्रोवाइड एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स थ्रू अ कंसंट्रेट मिक्सचर एंड दैट कंसंट्रेट मिक्सचर इज कॉल्ड क्रीप फीड। तो जो मिल्क है उस क्योंकि साउ है वो 6 से 8 बच्चे देती है, और इतने बच्चों के लिए इट इज नॉट फुलफिल्ड थ्रू सकलिंग ओनली, तो इनिशियल मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें 3 वीक्स में तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स पूरे हो जाते हैं सकलिंग के थ्रू, पर 3 वीक के बाद क्या होता है मिल्क प्रोडक्शन गिरने लगता है एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स पिक्स की पूरी नहीं हो पाती, इसलिए उनको वी प्रोवाइड एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स इन टर्म्स ऑफ क्रीप राशन। तो लैक्टेटिंग साउ का न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताया इट विल बी 4 टाइम्स देन मेंटेनेंस। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, फॉर लैक्टेटिंग गिल्स 2 kg ऑफ कंसंट्रेट मिक्सचर विथ 0.2 kg ऑफ मिल्क, दैट कंसंट्रेट मिक्सचर पर पिगलेट इन अ लीटर मे बी सफिशियंट टू मीट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। ये थंब रूल है कि जो लैक्टेटिंग गिल्स है उनको 2 किलो दाना दिया जाता है और उसके लीटर साइज में कितने कितने पिगलेट है, जैसे उसके लीटर साइज में 6 पिगलेट है तो 200 ग्राम देना है एक पिगलेट को, अगर 6 पिगलेट है तो 1.2 kg प्लस 2 kg फॉर लैक्टेटिंग गिल्स, तो इट इज इट विल बी 3.2 kg। सो आई एम टेलिंग यू लैक्टेटिंग गिल्स के लिए कितना आपको उसको फीड देना है लैक्टेटिंग गिल्स को, 2 kg प्लस 0.2 kg पर पिगलेट। अब उसके लीटर साइज में जितने पिगलेट हैं उसमें 0.2 kg के हिसाब से आप उसको इतना एक्स्ट्रा फीड ऐड कर दीजिए 2 किलो। और अगर लैक्टेटिंग साउ है, साउ कितनी तक रखते हैं, कितनी फॉलोइंग तक साउ को रखते हैं या फिर बेच देते हैं, एक्चुअली में लैक्टेटिंग गिल्स को साउ में कन्वर्ट करते हैं और करीब 5 फॉलोइंग तक रखते हैं, 5 फॉलोइंग के बाद फीमेल को भी आप अलग कर देते हैं। हाँ, तो गिल्स रहेंगी ब्रीडेबल फीमेल्स में, गिल्स रहेंगी और साउ रहेंगी, साउ अप टू 5 फॉलोइंग तक रहेंगी। इनको आपको जो ओल्डर फीमेल्स हैं इनको जो साउ बोलते हैं इनको जो फीडिंग देना है इट इज 3.5 kg कंसेंट्रेट मिक्सचर एंड 0.2 kg कंसेंट्रेट मिक्सचर पर पिगलेट इन अ लीटर विल बी सफिशिएंट टू मीट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ पिगमेंट लैक्टेटिंग साउ। ठीक है, तो लैक्टेटिंग साउ गिल्स को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स देना है। और हियर यू विल सी द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स इसमें देखिए लैक्टेशन 0 to 21 days एंड फ्रॉम 22 days टू 56 दैट इज एट द एंड ऑफ वीनिंग दैट इज 8th week। तो 8th week में 56 दिन में आपका सीधा न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स एंड हेयर इज बॉडी वेट ऑफ साउ और गिल्स इट इज अराउंड 115 सीधा बॉडी वेट और इनका लेट लैक्टेशन में सीधा बॉडी वेट इट इज 1.5 kg। अब यहाँ जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स दिए इट इज अकॉर्डिंग टू डेली फीड इनटेक। अ साउ ईटिंग एट द रेट ऑफ 3.8 kg 4.3 kg एंड 4.8 kg देयर विल बी द डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। सो
you have to feed according to their daily feed intake. Nutrient requirement will be vary for in case of lactating sow. तो ये न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। नाउ लास्ट इज फीडिंग ऑफ बोर्स। फीडिंग ऑफ बोर्स, फीडिंग ऑफ ब्रीडिंग बोर्स में भी फेड ऑन फिनिशर डाइट। मैंने आपको बताया कि जो आप पिक फार्मिंग करेंगे वो आप स्टार्ट करेंगे कहाँ से, स्टार्टर से, फिर गोअर में जाएंगे, फिर फिनिशर में आएंगे। फिनिशर में आपके ब्रीडिंग मतलब जो बेल्स रहेंगे वो क्रेस्टेटेड रहेंगे, फिनिशर दाना के बाद वो पूरे बिक जाएंगे, और उसके बाद आपके पास फीमेल गिट्स रहेंगी, गिल्स, और आपके पास साउ रहेंगी, और मेल जो रहेंगे, जो 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 ब्रीडिंग है, ब्रीडेबल मेल्स जिनको बोर्स बोलते हैं वो रहेंगे, उनको क्या देना है, फिनिशर डाइट ही देना है। और कितना देना है उनको, देना है 2.5 kg पर हेड पर डे, अलोंग विथ 5 to 6 kg 5 to 6 kg ग्रीन फॉडर, ये देना है आपको। ओवर फीडिंग मस्ट बी अवॉइडेड इन केस ऑफ मेल, क्योंकि अगर ओवर फीडिंग करेंगे तो स्पर्म क्वालिटी गिर जाएगी एनिमल्स की, तो इनकी कंसेप्शन रेट गिर जाएगा। सो वी आर अवॉइडिंग द ओवर फीडिंग ऑफ द ब्रीडिंग बोर्स। तो आपने ये देखा होगा कि जो जो ब्रीडेबल फीमेल्स है उनको भी आप फिनिशर राशन देना है, और उनको 2 से 2.5 किलो देना है, और ब्रीडिंग मेल्स को भी ये करीब करीब 1.5 किलो आपको, 2.5 किलो आपको राशन देना है पर हेड पर डे, अलोंग विथ 5 to 6 kg ऑफ ग्रीन फॉडर। AICRP ऑन पिक्स हैज रिकमेंडेड 1.5 to 1.8 kg और फिनिशर राशन for the breeding boars depending upon the condition of the boars. ये हो गया feeding of the boars. तो आपको जब आप pig farm खोलेंगे, आप presume कीजिए, आप अपने दिमाग में लगाइए कि जब आप pig farm खोलेंगे तो आपके पास कौन कौन से animals रहेंगे। जो piglets रहेंगे उनको आपको creep ration देना है, फिर वो growers आएंगे, फिर वो finishers आएंगे, फिर finishers के बाद आप में फिनिशर्स में आपको बेल क्रेस्टेटेड मेल रहेंगे, और आपको बोर्स रहेंगे, और गिल्स रहेंगी, और साउ रहेंगी, और इस प्रकार आपकी साइकिल चलती रहेगी। सो दिस इज रिगार्डिंग फीडिंग ऑफ द पिग्स। फीडिंग ऑफ द पिग्स 3 phases है। इट इज स्टार्टर। स्टार्टर में 12 किलो तक वेट आ जाता है, और 12 से 50 किलो बॉयड वेट तक के लिए इट इज ग्रोअर राशन, और 50 किलो से मार्केट वेट इन इंडिया मार्केट वेट इज 65 to 70, इन यूरोप इट इज 100 kg। तो इसमें आपको फिनिशर राशन देना है, और फिर आपको ब्रीडिंग बोर्स रहेंगे, ब्रीडिंग गिल्स रहेंगी, अब ब्रीडिंग साव रहेगी, उनको क्या देना है। सो दिस विल कंटेन, ये आपका पूरा न्यूट्रिशन है जो कि आपको पिक्स को देना है। See the nutrient requirement given by the NRC. Nutrient requirements जो अभी तक मैंने आपको बताई, ये बस ICAR 2013 जो कि latest feeding standard है, and you have to feed according to ICAR 2013 because it is a Indian feeding standard. If you want to go with the nutrient requirement of pigs according to NRC 1998 के हिसाब से खिलाना है, तो this is the feeding standard. यहाँ देखिए 3 to 5 kg बॉडी वेट के लिए आपको कितना एनर्जी देना है, कितना प्रोटीन देना है, और कितना फीड इनटेक रहेगा, और कितना बॉडी वेट रहेगा। तो जब आप फीडिंग ऑफ द पिक्स लिखेंगे तो आपको ये फीडिंग ऑफ पिक्स में हमेशा ये लिखना पड़ेगा, फीडिंग माने व्हाट इज द फीड इनटेक, व्हाट इज द बॉडी वेट, व्हाट इज द फीड एफिशिएंसी, ये फीडिंग कहलाती है, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ये देखिए, अगर आप 3 से 5 किलो की अगर बॉडी वेट की फीडिंग कर रहे हैं पिक्स की, तो देखिए इनका जो बॉडी वेट है 4 किलो रहेगा। आप एनर्जी कितना देना है इसको, दाना कितने एनर्जी का बनाना है, 3 to 6.5 kcal/mE/kg ऑफ द डाइट। प्रोटीन कितना रहेगा, 26% प्रोटीन रहेगा। इसको आपको दाना देना है, और कितना खाएगा ये देखिए, 250 ग्राम दाना पर खाएगा, ठीक है। और इसको
आपको इसमें बॉडी वेट कितना जाएगा, 4 किलो आ जाएगा, 5 से 10 किलो बॉडी वेट, बॉडी वेट के लिए आपको एवरेज बॉडी वेट इसमें 8 किलो आ जाएगा। आपको ये वाला कंसेंट्रेट का दाना खिलाना है और इस कंसेंट्रेशन की आपको एनर्जी और प्रोटीन देना है। इसी प्रकार देयर इज अ थर्ड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट गिवन बाय द फिश 2003 ये तीन आपके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट दिए हैं सीधा। कैल्शियम रिक्वायरमेंट 0.6, अवेलेबल पॉइंट फास्फोरस रिक्वायरमेंट 0.6, 0.4, 0.5, सीधा आयरन जिंक रिक्वायरमेंट एंड सीधा एनर्जी प्रोटीन रिक्वायरमेंट। स्टार्टर में आपको एनर्जी दिया 3360, ग्रोअर में 3170 और फिनिशर में 3170 एंड सी द प्रोटीन रिक्वायरमेंट इट इज 20%, 18% एंड 60%। तो आपको किसी भी फीडिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से यू कैन फीड योर पिग्स। यू कैन गो विद आईसीआर 2013, यू कैन गो विद एनआरसी 1998। इनफैक्ट अभी जो एनआरसी का है 2012 का लेटेस्ट है, 2012 फीडिंग स्टैंडर्ड इज द लेटेस्ट इन केस ऑफ एनआरसी। तो ये लेटेस्ट इसके हिसाब से भी आप दे सकते हो एंड यू कैन गो विद बिस 2001 के हिसाब से यू कैन फीड योर पिग्स। सो आई एम कंक्लूडिंग नाउ फीडिंग ऑफ द पिग्स। फीडिंग सिस्टम्स आर स्केवेंजिंग, सेमी स्केवेंजिंग, इंटेंसिव सिस्टम। स्केवेंजिंग नो इनपुट